आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूं। अब सबसे पहले मैं इसके बॉक्स को खोल लेता हूं। टडा, बॉक्स खुल गया। मैं इसको यहां पर प्लेस कर देता हूं और आपको इसका बॉक्स कंटेंट दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि फोन के ऊपर एक ये लिड रखा हुआ है जिसके अंदर आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा। उस कंटेंट पे नजर डाल लेते हैं, फिर मैं आपको बॉक्स के अंदर रखा फोन दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको हमेशा की तरह एक सिलिकॉन कवर मिलेगा। ये वीवो और ओप्पो की ओर से बहुत अच्छी बात है कि वो आपको लगभग अपने सभी स्मार्टफोन्स में प्रोटेक्टिव कवर जरूर मुहैया करवाती हैं। और इसको हटा लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, साथ ही साथ वारंटी कार्ड दिया है और क्विक स्टार्ट गाइड भी दी गई है। तो इसे यहाँ प्लेस कर देते हैं और अब देखते हैं मेन चीज़, और वो है फ़ोन। इसको हटा लिया जाए। ये रहे इसके कुछ IMEI के स्टिकर्स, इनको भी हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। फ़ोन को निकालें हम बॉक्स के बाहर। तो फ़ोन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बता दूँ, जैसे ही मैंने फ़ोन को हाथ में पकड़ा है मुझे एक बहुत ही प्रीमियम फील आ रही है इस फ़ोन से। अब आपको पीछे से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओप्पो की तरह ही वीवो भी एक ऐसा ही स्मार्टफोन लेके आई है जिसमें जो शेडेड कलर आपको मिल रहा है, ऊपर डार्क ब्लू है और नीचे थोड़ा सा लाइट ब्लू है, और इसमें डॉट्स भी दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है वीवो के स्मार्टफोन की, और देखने में ये काफ़ी हद तक वीवो के दूसरे फ़ोन्स यानी V9 कहें या फिर X21 कहें, काफ़ी हद तक उसी की तरह लगता है। तो चलिए फ़ोन को मैं ऑन कर लेता हूँ और मैं इसको ऐसे रख देता हूँ ताकि आप इसके कलर्स को निहारते रहें। तो ये रहा इसकी माइक्रो USB केबल। आपको इसके साथ ये फोन्स मिल जाएंगे एज यूजुअल, और एक पावर अडैप्टर मिलेगा। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फ़ोन, तो इसलिए कंपनी ने इसमें 9V 2A 5V 2A सपोर्ट वाला चार्जर मुहैया करवाया है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप स्मार्टफोन को मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको ये सारी एक्सेसरीज फ़ोन के साथ मिलेगी। अब बात की जाए इस फ़ोन के फर्स्ट इंप्रेशन की, तो जैसे ही आप इस फ़ोन को पहली बार देखेंगे तो आपकी सबसे पहली नज़र इसके डिस्प्ले पर ही जाने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट बेजललेस डिस्प्ले है। नीचे की तरफ जो ये चिन्ह दिया है वो भी दूसरे फोन्स के कंपैरेटिव बहुत ही छोटा सा है। साथ साथ ऊपर जो यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप या फिर वी शेप नॉच मिलता है वो भी काफ़ी छोटा है। और यहाँ पर मैं आपको एक बार ओप्पो का फ़ोन दिखाता हूँ जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, उसमें भी कंपनी ने वाटर ड्रॉप डिस्प्ले दिया है और उसका चिन्ह इसके मुकाबले बड़ा है, और उसका जो नॉच है वाटर ड्रॉप वो भी इससे बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के नॉच में अगर हम सबसे छोटा नॉच की बात करेंगे तो वीवो का नॉच छोटा है, साथ साथ चिन्ह में भी वीवो ही आ गया क्योंकि वीवो का चिन्ह थोड़ा कम है ओप्पो के मुकाबले। इसके अलावा हम जो दूसरा हाईलाइट अगर इस फोन की लुक्स पे मारेंगे तो वो है इसका ये बैक पैनल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका ये, और आपको ये ज़रूर पसंद आने वाला है। आई एम सॉरी कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये फॉग दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअली AC बहुत तेज़ है इस ऑफिस में और उस वजह से ये थोड़ा सा टेम्परेचर की वजह से ऐसा फॉग बन जा रहा है। पर आपको बता दूं कि लुक वाइज ये बिल्कुल भी फोन आपको निराश नहीं करेगा, बहुत ही स्टाइलिश और क्लासी लगता है। इनफैक्ट फिंगरप्रिंट सेंसर भी कहीं नहीं दिया, और ये पतले स्लीक डिजाइन की वजह से आपको एक अच्छी ग्रिप भी देगा और आपके हाथ से आसानी से स्लिप नहीं होगा। अब आपको बता दूं कि एक बार फिर से वीवो के इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो आपको बता दूं कि वीवो V11 प्रो में आपको मिलता है 6.41 इंच का फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जिस पर कंपनी ने जो है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी है। ओ, ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी आपको अब बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस धीरे धीरे अपने स्मार्टफोन्स में मुहैया करवाती जा रही है। साथ साथ इस फोन में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट। एक बार हम इसके स्पेसिफिकेशंस पर गौर कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 660 AEI ऑक्टाकोर चिपसेट मेंशन किया गया है। 2.0 GHz की क्लॉक स्पीड है, 6GB की रैम दी गई है। इस फोन में आपको एंड्रॉयड 1.0 का वर्जन मिल जाएगा जो कि फ्रंट टच OS की लेयरिंग के साथ आता है। अब एक बार हम स्टोरेज देख लेते हैं कितनी है इस वाले मॉडल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 64GB की स्टोरेज इसमें मिल जाती है। तो अब ये नज़र डालते हैं कि इसकी स्टोरेज जो एक्सपेंडेबल है वो डेडिकेटेड स्लॉट के साथ है या फिर आपको उसके लिए अपने हाइब्रिड सिम स्लॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कंपनी ने डेडिकेटेड स्लॉट दिया होगा, पर एक बार चेक करने में ही अच्छा ही है। तो गुड न्यूज़, आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल रहा है, तो आपको अपने
सेकेंडरी सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, दो सिम के साथ आप मेमोरी को भी एक्सपैंड कर पाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन है कि आप OTG भी इस फोन में डाल सकते हैं। अब बात करें कैमरा की, तो आपको बता दूं कि इसमें आपको Vivo X21 जैसे ही ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं, साथ साथ कैमरा भी इसका आपको जरूर पसंद आने वाला है। इसमें आपको मिलेगा 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रेयर सेंसर और ये शटर स्पीड आप देख सकते हैं कि काफी फास्ट है। इसमें आपको AI फेस ब्यूटी मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है। वीडियोस की क्वालिटी चेक कर लेते हैं, तो आप इसमें फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे, 4K का ऑप्शन नहीं है। स्लोमो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लोमो के जो बारे में मैं आपको इसके रिव्यू में जरूर बताऊंगा। टाइम लैप्स का ऑप्शन भी दिया गया है, टाइम लैप्स भी आप फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। AR स्टिकर्स मिल जाएंगे आपको और प्रोफेशनल मोड भी मिल जाएगा। वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की, ओवरऑल अगर इस फोन की स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो ये फोन आपको जरूर पसंद आने वाला है। साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें आपको 3400 mAh की बैटरी भी मिल जाती है, जो कि फेस अनलॉक के साथ आता है ये फोन। और इस फोन की जो कीमत है, हालांकि आपको थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं, पर ये ऑफलाइन मार्केट के लिए फोन लॉन्च किया गया है, तो ऐसे में अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑफलाइन पर आप इस फोन को खरीद के एक्स्ट्रा पैसे खर्चना चाहेंगे या फिर ऑनलाइन में फ्लैश सेल का वेट करके एक कम बजट में स्मार्टफोन लेना चाहेंगे, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इसके कॉम्पिटिटर्स हैं ऑनर प्ले और इनफैक्ट पोको F1 के साथ साथ ओप्पो F9 Pro भी इसका कॉम्पिटिटर है। तो अब आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या आपको ये फ़ोन पसंद आया इस प्राइस रेंज पे, और आपकी क्या राय है Vivo V11 Pro को लेकर। और हाँ, अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। साथ साथ हमेशा की तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका किसी फ़ोन से कंपैरिजन करूं, तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। और एज यूजुअल, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन।